हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति। मैंने मूवी देखी द व्हेल, जिसका रन टाइम लगभग 2 घंटे का है। आप इस मूवी को देखेंगे भर नहीं, फील करेंगे राइट इन योर हार्ट, एंड योर हार्ट विल एक फॉर द पर्सन चार्ली, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए, कभी कभी इंसान इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है, उसके लिए उसे बहुत बड़ा पश्चाताप भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर चार्ली ने जो गलतियाँ की है, वो हम आपकी तरह ही हैं, जैसे हम लाइफ में करते चले जाते हैं, और कभी कभी समय होता है उनको सुधारने का, और कभी समय निकल चुका होता है और हम समझ नहीं पाते कि अब हमें क्या करना है। सो चार्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसका अंतिम टाइम चल रहा है, और इस समय जो पेनेंस करता है, जो पश्चाताप करता है, वो शायद पश्चाताप की श्रेणी से हटकर बलिदान में चला जाता है। बेसिकली जब हम इस तरीके के कोई बड़े शरीर वाले इंसान को देखते हैं, जैसे कि, तो हमारा हमेशा उसको बहुत जजमेंटल वे में उसे देखते हैं। और इसमें तो व्हेल कह के बुलाया गया है। इंडिया में जनरली भैंस, भैंसा, लेडी है तो भैंस, और अगर आदमी है तो भैंसा बोलते हैं। देखिए, तो ये वो जो उसके पीछे का ह्यूमैनिटी है, जो उसकी एक लाइफ है, उससे हटकर हम इतना जजमेंटल हो जाते हैं कि बस उसकी अपीयरेंस से ही उसको देखकर बोलने लगते हैं। उसकी जो लाइफ जर्नी है, और वो हम कहीं मिस कर जाते हैं कि ये जो इसके साथ हुआ है, इसके पीछे कोई कारण हो सकता है, या फिर वो क्या फील करता है। ये जो इसके साथ एक तरीके से जो त्रासदी हुई है, क्योंकि ये मूवी बहुत ऑनेस्ट है, ये कुछ नहीं छुपाती है कि मोटापे के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और मोटापा क्या एक्सट्रीम मोटापा है, एक्सट्रीम ओबेसिटी है, उसके साथ क्या कोमोबिडिटीज़ होती हैं, जो अभी हमने रिसेंटली देखा भी है कोरोना के टाइम्स में, कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है ओवरवेट ओबीस लोगों को, वो कितनी विभत्स होती है, फिजिकली भी देखने में कितना ज़्यादा अजीब होता है, चाहे कितना भी वोकिज्म के थ्रू या चाहे कितना भी एक्सेप्टेंस के थ्रू लोग इस पर गुहार लगाएं कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी है, इसका वो पर्सपेक्टिव भी दिखाया है, ह्यूमन पर्सपेक्टिव भी दिखाया है कि जो इतना बड़ी शरीर है, इसके पीछे एक इंसान होता है। और दूसरा भी दिखाया है कि अगर आप स्टेट में आ जाते हैं किसी भी चीज़ के थ्रू, चाहे डिप्रेशन के थ्रू हो या खुद ही आपको खाने में मज़ा आ रहा है, तो ये आपका एंड हो सकता है, यहाँ पर आप जाकर रुकेंगे। और जो दिखाया भी है, वो ब्रेंडन फ्रेजर के थ्रू दिखाया है, जिनको हम उनके जीवन के बेस्ट शेप में जॉर्ज ऑफ द जंगल में देख चुके हैं। वो टार्जन बने थे, और एक एग्जाम्पल है, वो एपिटोम ऑफ माचोनेस होता है, उसका एग्जाम्पल है और थे, और इसमें आप उनको इस फॉर्म में देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर लाइफ ने डाउनफॉल हुआ, इस तरीके से चीज़ें हुई, तो कहाँ पर जाकर आपको छोड़ सकती हैं। तो ये जो सिलेक्शन था पर्सन का, ये भी बहुत अच्छा था, और उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो सारी चीज़ों को पे एकदम से बात करने के पहले हम अलग अलग सेक्शंस में बात कर लेते हैं, जैसे क्लियर रहेगा। तो पहले स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी यहाँ पर एक ओवरवेट ओबीस इंसान की है, जो बिल्कुल मरने की कगार पर है। उसके जीवन की लाइफ जो सफ़र है, वो ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल कुछ ही दिन बचे हैं, और वही सफ़र हम उसके साथ काटते हैं, जिससे हम बहुत करीब से उसे जान पाते हैं। बाहर से देखने में लगता है कि कितना ही डिप्रेसिव होगा, डिप्रेसिव है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, वो अपना डिप्रेशन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है लोगों पर। उसके तो संपर्क में जितने 5 लोग आते हैं, उनकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट कहें तो बदल कर ही चला जाता है, स्पेशली अपनी बेटी की, जिसके लिए वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है, और वो उतनी ही ज़्यादा कड़वी होती है, और वो भी आपको गलत नहीं लगेगा जब आप मूवी देखेंगे। तो जो मूवी है ना, ये इसका सेंटर ओबेसिटी और ये परेशानियाँ, डिप्रेशन, ये नहीं है, ऑनेस्टी है। ये ऑनेस्टली सारी चीज़ें दिखा रही है, एक्सेप्ट कर रहा है जो सेंटर में कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर चार्ली, जो बहुत मोटा हो गया है, कि उसने जीवन में गलतियाँ करी हैं, वो गिल्ट में है, और इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो अपनी पत्नी के साथ हो जिसे उसने छोड़ दिया था, चाहे अपनी बेटी हो जो 8 साल में ही वो अपना छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ गया हो, चाहे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो चीज़ें हों कि वो उसको बार बार याद करता रहता है, अपनों के खोने का दुख भी है उसे, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है। बस उसकी ये एक चीज़ है कि यहाँ पर उसने इन सारी चीज़ों को भुलाने के लिए खाने का सहारा ले लिया है, अपने अल्कोहल वाली और बहुत ज़्यादा फिजिकल प्लेजर वाली, जो सेक्स वाली मूवीज़ होती हैं जिसमें एक्सट्रीमिज्म दिखाते हैं, गैम्बलिंग का, वो सारी देखी हैं, और समय समय पर बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनी हैं, हिंदी सिनेमा में भी बनी है, अल्कोहल पे बनती है, गैम्बलिंग पे बनती है, लेकिन जो ये ग्लटनी वाली चीज़ है, ग्लटनी एग्जैक्टली नहीं कहेंगे यहाँ पर, जो डिप्रेशन को दबाने के लिए इसने ये रास्ता चुना है, उसको एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल जो है वे में दिखाने की इसमें कोशिश की गई है, और बहुत अच्छे से दिखाया है। ये तो हो गई स्टोरी की बात, अब हम बात करते हैं ब्रेंडन फ्रेजर की। देखिए, ब्रेंडन फ्रेजर का जो लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। पिछले 10 साल से इनकी लाइफ में डिवोर्स हुआ, इनको काफ़ी बीमारियाँ हुई, जो भी इनके साथ चीज़ें, इन्होंने एक सेक्सुअल असॉल्ट वाला भी इल्ज़ाम लगाया था किसी पर, तो बहुत सारा इनके लाइफ में टर्मोइल था, और इस 10 साल के बाद जब इन्होंने अपेयर किया है, और आप भी जानते हैं कि इस तरीके के मूवी में ये नहीं आते थे, मम्मी में आते
लगते थे, मास सिनेमा था, अच्छे लगते थे, हैंडसम लगते थे। देन जॉर्ज ऑफ द जंगल में और बहुत सारी मूवीज़ इनकी टाइम टू टाइम आती हैं जो इस तरीके के आर्ट सिनेमा में नहीं आते। जिस तरीके की परफॉर्मेंस इन्होंने इसमें दी है वो नहीं आपको इनकी देखने को मिलेगी कहीं पर। और यहाँ पर इनको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला है जिसकी वजह से खान्स में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, अगर आप इनका इंटरव्यू देखें। और टाइम टाइम क्योंकि वो कहते हैं मैं इस चीज़ की यूज़ टू नहीं हूँ, और यहाँ पर उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है कि आपका हार्ट, योर हार्ट विल फॉर श्योर एक फॉर चार्ली। मैं बता रही हूँ, मैं वो इंसान हूँ बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होती हूँ मूवीज़ देख के, क्योंकि मुझे पता चल रहा होता है कि मैं मूवी देख रही हूँ, लेकिन बहुत रेयर ऐसी मूवी होती है जिनसे मैं इतना कनेक्ट हो जाती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लगने लगा, एक बहुत ज़्यादा रोने धोने वाला माहौल बन जाता है। इनकी आँखें इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा फ्लश चढ़ा हुआ था, इनकी पूरी बॉडी पर फैट था, ये दिखा रहा था कि किस तरीके से आपका शरीर एक विभत्सता के फॉर्म में आ जाता है, विभत्स हो जाता है जब आप इतने एक्सट्रीम में चले जाते हैं। लेकिन आंखें इनकी इतनी ज़्यादा दयालु और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव, अपनी बेटी के लिए इतनी ज़्यादा होपफुल थी, आंखों से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही और इनका दुख, इनका प्यार सब कुछ आंखों से एक्सप्रेस हो रहा था। तो ब्यूटिफुल आइज़। और जनरली इनकी मूवीज़ में, पुरानी जो मूवीज़ है ना उनमें भी आइज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया और यहाँ पर भी किया गया है। जो दूसरी मैं बात करना चाहूँगी वो होंग चाओ के बारे में बात करना चाहूँगी, जो उनकी केयरटेकर बनी है, इनकी बॉयफ्रेंड की सिस्टर भी हैं, और वो उनकी इतनी ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से केयर कर रही हैं, उनको इतनी ज़्यादा कैजुअल लग रही हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मूवी चल रही है। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक सब कुछ लग रहा है, उनके डायलॉग्स, डिलीवरी करने का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा है। इनके बारे में एक और ट्रिविया है कि डैरिन का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें बता रहे थे कि उन्होंने इनकी एक एक्टिंग देखी थी किसी मूवी में और इनसे ज़्यादा इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे कि उन्हें यही चाहिए थी अपनी मूवी में। सो उन्होंने वेट किया क्योंकि एट दैट टाइम शायद उन्होंने बेबी डिलीवर किया था, इन्होंने टाइम लिया थोड़ा सा, उसके बाद आई और इन्हीं को कास्ट किया गया इस रोल में। इतना ज़्यादा डेरिन इनसे इन्फ्लुएंस थे कि यही चाहिए। देन सैडी सिंह को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, जिनको आपने स्ट्रेंजर थिंग्स में मैक्स की तरह देखा है। अभी लास्ट वाले जो दोनों पार्ट्स आए थे उन्होंने उसमें मैक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। यहाँ पर वेकना को हराने में और जो भी सारी चीज़ें थी वो मैक्स ने काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उन सारी चीज़ों को झेला था और उसी के थ्रू सारी चीज़ एक्सप्रेस हो रही थी। यहाँ पर भी सैडी सिंह ने जो बच्ची है जिसके फादर उसको 8 साल पहले छोड़कर चले गए और 8 साल हो गया है, वो बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं है, बहुत रेबेलियस है, इंटेलिजेंट है, मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट है वो लड़की, जिसे कहते हैं कि बिटर माउथ है वो, तो उसका बहुत अच्छे से रोल यहाँ पे इन्होंने निभाया है। अगर हम डायरेक्टर की बात करते हैं डैरन एरोनॉफ्स्की, तो उन्होंने ऑस्कर का जो कोड है वो क्रैक कर लिया है। आपने इनकी मूवी ब्लैक स्वान, द रेसलर, रेक्यूम ऑफ ड्रीम्स, नोवा पाए, ये सारी देखी होंगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। इसमें जो मूवी द रेसलर है वो मेरी बहुत फेवरेट है। इसमें जो मिकी रुकी वाला चीज़ आती है, जिस तरीके से उनको पता चलता है उनको हार्ट अटैक हुआ है बहुत ज़्यादा मैसिव और उनका हार्ट बहुत वीक है, सो अपनी डॉटर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इस मूवी में भी वेल में भी चार्ली अपनी डॉटर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करता है। उसमें बिल्कुल भी वो होप नहीं छोड़ता है कि वो अपनी बच्ची से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड तक जो आखिरी सीन है ना वो आपके दिल पर बिल्कुल ऐसा वार करेगा कि कड़े से कड़ा भी पत्थर दिल वाला इंसान भी रो देगा एक बार। तो यहाँ पर जो मदर मूवी है वो भी इसी तरीके थी। ब्लैक स्वान में तो नैटली पोर्टमैन ने क्या ही मज़ा दिला दिया था। सो यहाँ पर भी ये ना एक्टर्स से एक्टिंग निकलवा लेते हैं, और ऐसी वैसी एक्टिंग नहीं, ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंसेस निकलवाते हैं। इनकी ये सारी मूवी ही ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई थी, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई नॉमिनेशन था। और रेक्यूम ऑफ ड्रीम्स भी, अगर आपने रेक्यूम ऑफ अ ड्रीम आप अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। जैरेड लीटो की परफॉर्मेंस देखेगा आप उसमें। ड्रग्स पर बनाई गई ये मूवी, एक लेडी होती है जो अपना वेट लूज़ करने के लिए इधर ड्रग्स वाले एंगल में फंस जाती है और फिर क्या कुछ होता है उसकी फैमिली में। तो इनकी तो अगर आपने मूवीज़ नहीं देखी है तो आप सारी चेकआउट करिए और वेल भी देखिए। ओवरऑल मुझे मूवी, जो मूवी का हार्ट था वैसी ही लगी है, बहुत ऑनेस्ट लगी है, कुछ भी लाग लपेट करने की कोशिश नहीं करी है। मैं इस मूवी को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखकर मन तक मैं इसके इमोशंस को फील कर पाई हूँ। सो अगर आप देखेंगे तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दैट्स इट, बाय।